वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे रिटायर्ड जस्टिस कर्ण। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुकाबले का सिलसिला जारी है। मद्रास और कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सीएन कर्णन वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं हो सकती है मोदी सरकार की बहुत बड़ी हार, क्योंकि जो जस्टिस कर्णन है 63 साल के रिटायर्ड जस्टिस ने बताया कि मैंने मोदी के खिलाफ वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब मैं वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए काम कर रहा हूँ। वह पहले ही मध्य लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल कर चुके थे और वाराणसी से उनका दूसरा निर्वाचन क्षेत्र होगा। हम आपको बता दें कि कर्णन ने 2018 में एंटी करप्शन डायनेमिक पार्टी ACDP का गठन किया था, जिसमें उम्मीदवार के रूप में उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया था। कर्णन अदालत के अवमानना के लिए दोषी पाए जाने वाले पहले 80 न्यायाधीश थे। उन्हें जून 2017 में अपने रिटायरमेंट के बाद 6 महीने जेल भी काटनी पड़ी थी, जबकि वो अपनी बहुत साफ सुथरी छवि के जजेस भी माने जाते हैं। जस्टिस कर्णन के मैदान में उतरने से मोदी सरकार को हो सकता है बड़ा खतरा और कहीं ना कहीं अपनी सीट को भी गंवा सकते हैं वो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।